जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के मामले में आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आज आरोप पत्र दाखिल हो सकता है। चार्जशीट में एफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। जी न्यूज की खबर के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की जाएगी। 3 साल पहले 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कथित रूप से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विपक्ष ने पुलिस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कश्मीर के शोपिया से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को पकड़ा गया। आतंकियों में एक की पहचान किफायतुल्ला बुखारी, जबकि दूसरा आतंकी नाबालिग है। आतंकियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2017 में कश्मीर पुलिस छोड़कर आतंकी संगठन हिजबुल में शामिल हुआ। ये आतंकी हिजबुल के एरिया कमांडर नावेद के संपर्क में थे और इन दिनों इनमें से एक आतंकी की मूवमेंट एनसीआर में देखी गई थी। ये आतंकी एनसीआर से हथियार खरीदकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पुलिस की माने तो आतंकी संगठन दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया में कई बड़े धमाके करने की फिराक में थे। पुलिस अब इन दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले सितंबर 2018 में 2 आतंकियों को लाल किले के पास से गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के युवाओं का मन अब बदल रहा है। कश्मीर के कुछ भटके युवा आतंक का रास्ता छोड़कर देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाह रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के युवाओं ने अब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए हैं। दक्षिणी कश्मीर आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। अनंतनाग के बीज बहरा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन ने पोस्टर चिपकाए थे। पोस्टर में युवाओं से आतंकी संगठनों में शामिल होने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ युवाओं ने दीवारों और खंभों पर लगे पोस्टर्स को फाड़ डाला। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मोस्ट वांटेड आतंकी जीनत उल इस्लाम के जनाजे में पत्थरबाज भी शामिल हुए। इन्होंने आतंकी जीनत के मारे जाने पर जमकर नारेबाजी की और सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए। जवाबी कार्रवाई में 5 पत्थरबाज घायल हुए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती सेना के एक्शन पर ट्वीट किया। महबूबा ने कहा कि लोगों पर हवाई फायरिंग की खबरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और विचलित करने वाली हैं। धार्मिक मामलों में ऐसी दखलअंदाजी गैर जरूरी है और इससे लोगों का गुस्सा और अलगाव और बढ़ सकता है। यूपी में अखिलेश और मायावती का गठबंधन होने के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने सबको चौंका दिया है। हालांकि कांग्रेस ने विकल्प की खिड़की खुली रखी है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को हराने की ताकत रखने वाले छोटे दलों को कांग्रेस के साथ आने का न्योता दिया है। कांग्रेस का ऑफर सुनते ही शिवपाल यादव ने हाथ से हाथ मिलाने की हामी भर दी। कांग्रेस के अकेले लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने चुटकी ली। वहीं चिराग पासवान ने यूपी में अखिलेश मायावती के गठबंधन को चुनौती बताया है। रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मुलाकात की। मायावती के आवास पर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मायावती ने बीजेपी पर लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव ने यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए मायावती को बधाई दी। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी की हार की तैयारी बिहार और यूपी से शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने दावा किया कि यूपी में एनडीए का सफाया तय है। तेजस्वी ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। मायावती के बाद आज तेजस्वी यादव की अखिलेश यादव से भी मुलाकात होगी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा है कि बैंक खाते में 15 लाख रुपए एक जुमला था और अब राम मंदिर भी एक जुमला है। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में भी राम मंदिर को लेकर एक राय नहीं है, ऐसे में वो राम मंदिर कैसे बनाएगी। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेता पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार कैसे राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं बीजेपी महासचिव राम माधव ने शिवसेना पर पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एके सीकरी ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सदस्यता के लिए सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।
मोदी सरकार उन्हें CSAT में नामित करना चाहती थी, लेकिन जस्टिस सीकरी ने सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति वापस ले ली है। जस्टिस सीकरी वही जज हैं जो पूर्व CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाने से जुड़े सिलेक्शन पैनल में शामिल थे। आलोक वर्मा को हटाने के लिए जस्टिस सीकरी ने PM मोदी के साथ वोट किया था। इस फैसले के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि आलोक वर्मा के खिलाफ PM मोदी के साथ खड़े होने की वजह से जस्टिस सीकरी को सरकार से फायदा मिला है। आलोक वर्मा को हटाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना भी साधा था। राहुल गांधी ने इंसाफ के तराजू से छेड़छाड़ और अराजकता के राज का आरोप लगाया था। गुजरात में आज से आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू हो जाएगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य है। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला कानून लागू होगा। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया था। 1984 में सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस SK कॉल की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सिख दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख दंगा मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा और 5,00,000 का जुर्माना सुनाया था। हाई कोर्ट के सज्जन कुमार की इस अपील को भी खारिज कर दिया कि जिसमें सरेंडर की मियाद 30 दिन बढ़ाने की मांग की गई। इस मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी किया था, जिसके खिलाफ CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान देते हुए CM योगी की अजगर से तुलना की है। अमरोहा में एक कार्यक्रम के दौरान राशिद अल्वी ने कहा कि UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से अल्फाज नहीं बल्कि जहर निकलता है। राशिद अल्वी ने CM योगी को अजगर से भी ज्यादा जहरीला बताया। राशिद अल्वी ने योगी के ऊपर चल रहे मुकदमों का हवाला देकर भी हमला बोला। कुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे संतों ने भी PM मोदी और योगी आदित्यनाथ से राम मंदिर जल्द बनाने की मांग की है। निर्मोही अन्य अखाड़ा के महंत श्री राजेंद्र दास ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि कुंभ से ही राम मंदिर का रास्ता निकलेगा। महंत श्री राजेंद्र दास ने कहा कि जो कांग्रेस के नेता राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। ये साधु संतों का कुंभ से आदेश है। निर्मोही अखाड़ा ही राम जन्मभूमि का केस लड़ रहा है। राम मंदिर को लेकर कुंभ के दौरान 31 जनवरी से 1 फरवरी तक धर्म सभा होगी। UP के प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में पहली बार होगा कि किन्नर अखाड़े को जगह मिली है। किन्नर अखाड़े के संत भी दूसरे अखाड़ों के साधु संतों की तरह 15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान करेंगे। कुंभ में किन्नर अखाड़े की पेशवाई को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ, लेकिन जूना अखाड़े और दूसरे साधु संतों की पहल के बाद विवाद शांत हो गया। किन्नर अखाड़े को मिल रहे प्यार और समर्थन को देखकर महामंडलेश्वर लक्ष्मी ने लोगों को धन्यवाद दिया और इसे सनातन धर्म का मॉडर्न रूप बताया। प्रयागराज के त्रिवेणी में लगने वाला एक कुंभ 4 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बीच 8 स्नान होंगे जिनमें 3 शाही स्नान भी हैं। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल से विवाद बढ़ता जा रहा है। आज लगातार 7वें दिन भी मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल जारी रहेगी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बेस्ट और BMC के बजट को मिलाने का वादा किया है। उद्धव ने कहा वो बेस्ट से किए वादे को निभाने के लिए तैयार है, लेकिन विवाद सिर्फ बातचीत से सुलझ सकता है। उद्धव ने कहा बेस्ट और BMC का मामला कोर्ट में है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। शिवसेना ने 2017 के निकाय चुनाव में बेस्ट और BMC के बजट को मिलाने का वादा किया था। वहीं राज ठाकरे की पार्टी MNS ने भी बेस्ट बसों की हड़ताल का समर्थन किया है। MNS ने विवाद नहीं सुलझने पर प्रदर्शन की धमकी दी है। इस मामले पर बेस्ट, BMC और सरकार के बीच हुई बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। मकर संक्रांति के दिन जयपुर के वीरेंद्र अग्रवाल के घर में मातम छाया हुआ है। रविवार को वीरेंद्र अग्रवाल के छोटे बेटे खुश अग्रवाल की मांझे ने जान ले ली। बच्चा बाहर पार्क में खेल रहा था कि अचानक मांझे की चपेट में आ गया। गले में मांझा लगने के बाद बच्चा पार्क में ही गिर गया। परिवार ने घायल बच्चे को पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के गले में कट का निशान था। हालत देखकर लग रहा था कि बच्चा ऊंचाई से गिरा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आज दिन भर आसमान में पतंगे छाई रहेंगी। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सतरंगी नजर आएगा। लोग सुबह से ही छत पर पतंगबाजी कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में डोर और निगाहें आसमान पर लगी हुई है। मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान पर लोग सुबह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संक्रांति पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान पुण्य होता है। लोग जरूरतमंदों को भोजन और काम की वस्तुएं दान करते हैं। हालांकि कुछ पंडितों के मुताबिक इस बार दान पुण्य का मुहूर्त कल है। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल आने के साथ ही जलीकट्टू की तैयारी शुरू हो गई है। मदुरई के अवनियापुरम में प्रशासन ने जलीकट्टू के लिए सांडों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। जलीकट्टू में हिस्सा लेने के लिए टोकन भी जारी किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने और टोकन लेने के लिए वहां पर सांडों के मालिक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले सांडों की वेटनरी डॉक्टरों से जांच भी होती है ताकि पता चल सके कि वो बीमार तो नहीं है। जलीकट्टू में सांड को लोगों की भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। लोगों को सांड की पीठ के बीचों बीच उठे वाले हिस्से को पकड़कर सांड को रोकना होता है। ऐसा करने वाले को इनाम दिया जाता है। कई लोगों की मौत के बाद 2017 में इस खेल पर बैन लगा दिया गया था, मगर तमिलनाडु सरकार ने कानून बनाकर इसे वैध कर दिया। दिल्ली में किताबों के शौकीन लोगों के लिए बड़ा तोहफा। अब दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान आप मुफ्त में किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप इन किताबों को घर भी ले जा सकते हैं और पढ़ने के बाद लौट आ सकते हैं। नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली श्रुति ने मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एमा वॉटसन के तर्ज पर देश में पहल शुरू की है। दरअसल अभिनेत्री एमा वॉटसन लंदन में कई बार मेट्रो स्टेशन पर चुपचाप किताबें रखती दिखाई दी, जिसके जरिए वो लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। गुजरात के कनालावा गांव में 80 साल की महिला की पैर से चांदी के कड़ले चुराने के लिए चोरों ने बुजुर्ग के पैरों को ही काट दिया। महिला के घर में घुसे चोरों को वहां चुराने लायक कुछ भी नहीं मिला, तो एक चोर की नजर महिला के पैर पर पड़े चांदी के कड़लों पर पड़ी। चोरों ने चांदी के कड़ले चुराने के लिए महिला की हत्या कर दी। उन्हें डर था कि अगर वो जिंदा ही महिला के कड़ले पैर से निकालने लगे तो वो जाग जाएगी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस, FSL और डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। यूपी के बरेली में रविवार देर रात PNG गैस पाइपलाइन में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लोग पास नहीं जा पा रहे हैं। आग की खबर सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने PNG पाइपलाइन बंद कराई। आग बुझाने में करीब घंटे भर का वक्त लगा। आग बुझाने में जरा भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग की वजह साफ नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में आतिशबाजी का चैम्बर फंसने से कार में आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घटना थाना सदर बाजार इलाके की है, जहां शादी समारोह के दौरान लोग आतिशबाजी कर रहे थे। तभी 200 रॉकेट वाली आतिशबाजी का चैम्बर चलती कार में फंस गया। स्थानीय लोगों ने कार में पानी डालकर आग पर काबू पाया। गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की। हालांकि लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन गुजरात के वडोदरा में भी धूमधाम से लोगों ने लोहड़ी का त्योहार मनाया। वडोदरा में रहने वाले पंजाबी लोगों ने गुजरातियों के साथ मिलकर लोहड़ी का भरपूर आनंद उठाया। इस सेलिब्रेशन में कुछ जोड़े ऐसे भी शरीक हुए जिनकी शादी के बाद ये पहली लोहड़ी थी। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार रात रुक रुक कर हल्की बर्फबारी होती रही। पुंछ पहुंचे सैलानियों में बर्फबारी की खुशी साफ देखी गई। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी ने कारोबारियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। वहीं उत्तराखंड के भी कई हिस्से बर्फबारी की चपेट में हैं। टिहरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। एडिलेड में दूसरे वनडे मैच के लिए टीम इंडिया ने आज जमकर प्रैक्टिस की। कल दूसरे वनडे मैच में बराबरी के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद विराट की टीम को ये मैच हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर ये मैच भी हारे तो 3 मैचों की श्रृंखला भारत के हाथ से निकल जाएगी। टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत के बाद कोहली की टीम के हौसले काफी बुलंद हैं।